started. Quantization of charge. Quantization of charge is one of the most fundamental property of charge. Charge has many properties. This charge has many properties, out of which the most fundamental property is quantization of charge. सबसे लेटेस्ट प्रॉपर्टी है ये चार्ज की. चार्ज की कई प्रॉपर्टीज पड़ी गई, लेकिन जो सबसे लास्ट में आई ये प्रॉपर्टी की क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, तो इसके बारे में मैं वही बोल रहा हूँ कि थ्योरेटिकली जब मैं किसी भी चीज के बारे में बताऊंगा, बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा, वो अलग रहेगा. लेकिन अभी हम डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं. बेसिकली इट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रिंसिपल. जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक प्रिंसिपल है, ठीक है, विदाउट एनी एग्जैक्ट प्रूफ. देखो, अगर कोई चीज वायोलेट नहीं होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कोई प्रूफ नहीं है एग्जैक्ट कि हाँ इस वजह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होनी चाहिए. ऐसा है कि जो हमने अज्यूम किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, वो आज तक वायोलेट नहीं हुआ. सो ये जो वायोलेशन नहीं हो रहा है, इस वजह से उसको हमने क्या बोला है, लॉ. ठीक ऐसा ही लॉ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवाज आ रही है, ऑडिबिलिटी क्लियर है? हाँ, कंटिन्यू करें. चलो ठीक, और आप बोलने में इसलिए नहीं झिझका करो करो जो मैं पूछता हूँ, आपकी वॉइस में बाद में हटा देता हूँ. ठीक है, तो वेन एवर यू आर आस्किंग समथिंग एंड एनीथिंग लाइक दैट, रिकॉर्डिंग में आपकी वॉइस नहीं आई, सो बी फ्रैंक इन आस्किंग डाउट्स. ठीक है, चलिए. तो ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल आज तक क्योंकि वायलेट नहीं हुआ इस वजह से, और ये प्रिंसिपल बाद में आया, मतलब ये यूं समझो कि पहले कुछ और मानते थे और अब कुछ और मानते हैं. तो क्वांटाइजेशन मीन्स होता क्या है पहले तो वो हमको समझना पड़ेगा. ठीक है, पहले क्या मानते थे वो तो अब हिस्टोरिकल पॉइंट से जब ये डिस्कशन होगा तो मैं देखूंगा. ठीक है, अभी ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रिंसिपल क्या बात करता है. ये प्रिंसिपल तीन बातें करता है. पहली, चार्ज इज नॉट कंटिन्यूअस. इसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बिना इसको समझाए काम नहीं चलता. तो चार्ज इज नॉट कंटिन्यूअस, बस इसी टॉपिक को हम डिटेल में समझेंगे, बाकी फिर हम तेजी से बढ़ जाएंगे. ठीक, अब जब चार्ज इज नॉट कंटिन्यूअस मीन्स व्हाट, चार्ज अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर क्या है, तो उसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है नॉट कंटिन्यूअस होने की जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं चार्ज इज डिस्क्रीट. इफ एनीथिंग विच इज नॉट कंटिन्यूअस, विच इज नॉट कंटिन्यूअस वुड बी नोन एज व्हाट, डिस्क्रीट. नाउ दीज टू थिंग्स विल बी डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल, देन वी शैल मूव टू द थर्ड पॉइंट विच इज अ मैथमेटिकल थिंग. दिस टू आर क्वालिटेटिव. ये क्वालिटी बता रहा है, ये वाला हिस्सा भी क्वालिटी बता रहा है, लास्ट वाला हिस्सा क्वांटिटी बताएगा. पहले हम क्वालिटी को समझ लें, तब समझेंगे कि फिर इसका मेजरमेंट हुआ क्या. लिसन, मैथमेटिकली लास्ट मोमेंट ज्वाइनिंग जो है आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस नाउ. ओके, नाउ लिसन, लेट अस ड्रॉ ग्राफ. ग्राफ फॉर चार्ज वैल्यू, तो ये ग्राफ बनाया मैंने एक्स एक्सिस, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी एंड जीरो इज मैथमेटिकली एट द सेंटर, ऐसा होगा. अब सपोज कीजिए कि इस चार्ज की जो वैल्यू है, आप भी कोई भी एक आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लीजिए चार्ज की जो मेजर की हो, वो वैल्यू है सपोज टू कूलाम वैल्यू. बायो क्लास आई लेट छुट्टी लाएगा ना, दैट्स व्हाई ऑल स्टूडेंट आर कमिंग लेट. ध्यान से समझ, सपोज करो चार्ज कितना मेजर करने का है, समेशन क्यू जो हम नेट चार्ज ऑन अ बॉडी मेजर करते हैं, दिस इज व्हाट नेट चार्ज. ये सब डिस्कशन में तो हो चुका हमारे, नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज टू कूलाम, सी रिप्रेजेंट्स कूलाम. ठीक है, अगर आप पूरा कूलाम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर में लिखिएगा, लेकिन जब सिंबल यूज करोगे तो कैपिटल सी. चलिए, तो टू कूलाम लोकेट करूं, ये हुआ आपका टू कूलाम. ठीक,
अब इसको मैथमेटिकली समझो, दिस पॉइंट इज जीरो, लेट मी यूज सम अदर टर्म, दिस पॉइंट इज जीरो एंड दिस पॉइंट इज टू, बिटवीन दीज टू मैथमेटिकल वैल्यूज कितनी मैथमेटिकल वैल्यूज हैं ये बताओ, जीरो और टू के बीच में कितनी मैथमेटिकल वैल्यूज हैं, एनीबडी रिस्पॉन्ड बताओ, इनफाइनाइट वैल्यूज, ओके करेक्ट गुड। तो अगर धीरे धीरे इस बॉडी पर, जिस बॉडी का मैं नेट चार्ज मेजर कर रहा हूँ, धीरे धीरे उसकी वैल्यू जीरो से मैंने टू कूलम की हूँ, तो नेट चार्ज पहले कितना था उस बॉडी का, जीरो, और इसको मैंने चार्ज करता गया चार्ज करता गया और एक कंडीशन ऐसी हो गई टू कूलम आ गई। तो जीरो से लेके टू कूलम के बीच में जितनी मैथमेटिकल वैल्यूज हैं सबको टच करते हुए निकला है, ऐसे लगेगा ना, जीरो से टू के बीच में जितनी वैल्यूज हैं सब अटेंड की होंगी इसने, यस और नो? तो दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस नेचर, और मैथ्स से हमारा ऐसा ही मानना है कि टू कूलाम तक जब ये वैल्यू आई है तो ये सारी वैल्यूज को अटेंड करते हुए आई है, बट फिजिकली इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली ना बढ़ के स्टेप साइज में बढ़ा है, मतलब जीरो से किसी एक वैल्यू पे आया होगा, सीधे बीच की कोई वैल्यू नहीं होगी, फिर सीधे एक वैल्यू अटेंड की होगी, फिर वैल्यू अटेंड की होगी, फिर वैल्यू, और ये टू पे पहुंच गया, दिस इज द लास्ट वैल्यू टू, तो दिस इज टू एंड दिस इज जीरो। तो आप ये नहीं बोल सकते कि जीरो से लेकर टू के बीच में जितनी वैल्यूज हैं सारी वैल्यूज को इसने अटेंड किया, दैट इज मैथमेटिकली ट्रू, बट फिजिकली इट हैज बीन फाउंड रॉन्ग, फिजिकली सच ए सिचुएशन नेवर एग्जिस्ट। और ये ज्यादा पुराना नहीं है फिजिक्स की वजह से, जैसे कि चार्ज वगैरह तो बहुत पुराने टॉपिक हैं, ठीक, लेकिन ये आया है आपका 1900 के अराउंड, इससे पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उससे पहले जो आप लोग बोल रहे थे वही सब था कि जीरो से लेकर टू तक की सारी वैल्यूज इसने अटेंड की होंगी, बिकॉज चार्ज को एक फ्लूइड समझा जाता था एंड दिस फ्लूइड वॉज कंटिन्यूअस इन नेचर। यदि आपको मेरी 11th क्लास याद हो तो मैंने आपको एक बार बोला था कि हीट वॉज कंसिडर्ड फ्लूइड, सिमिलरली चार्ज वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड फ्लूइड, और चार्ज को चार्ज ही बोलते थे, वहां हीट को हम कैलोरिक बोलते थे, लेकिन यहाँ पर चार्ज को चार्ज ही बोला जाता था और दोनों को ही कंटिन्यूअस समझा जाता था। बट अराउंड 1900 जो सर्टेन डेवलपमेंट्स हुए फिजिक्स में, जिससे ये प्रूव हुआ कि चार्ज इज नॉट अटेनिंग ऑल दीज वैल्यूज, इट इज टेकिंग वैल्यूज इन स्टेप, ये सीढ़ी जैसा, जैसे सीढ़ी और रैंप पर जब आप चलते हो तो क्या डिफरेंस, एक रैंप होता है, रैंप में आपने सारी हाइट्स को कंटिन्यूअसली अटेंड किया एक हिसाब से, ठीक है, जैसे चींटी, आप तो नहीं कर पाओगे, चींटी जैसी चीज, छोटी सी एंट, तो दिस एंट विल अटेन ऑल द वैल्यूज ऑफ हाइट व्हाइल रीचिंग हियर, बट इफ दिस एंट इज, अब एंट की जगह आप आ जाओगे ना और आप इस सीढ़ी पर चल रहे हो, तो आप सारी हाइट अटेंड नहीं करते हो, कुछ सर्टेन हाइट्स अटेंड करते हो और बाकी सारी हाइट्स को आप अटेंड नहीं करते, ठीक है, सो वी के नॉट सजेस्ट कि ये वैल्यूज उनकी कभी रही होंगी। तो ऐसा ही चार्ज है, तो चार्ज भी ऐसा ही है, इट इज नॉट अटेनिंग ऑल वैल्यू, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज अटेनिंग सर्टेन वैल्यूज, तो ये जो वैल्यूज है ना, ये स्टेप्स, दीज आर नोन एज डिस्क्रीट वैल्यूज, ठीक, डिस्क्रीट बोलते हैं इनको, ये जो वैल्यूज आई, दैट इज व्हाई द नंबर नेम इज डिस्क्रीट, ओके। तो दीज टू थिंग्स आर क्लियर, आई सपोज कि आपको अच्छे से समझ में आ गया कि चार्ज कंटिन्यूअस नहीं है इसका क्या मतलब हुआ, चार्ज डिस्क्रीट है इसका क्या मतलब हुआ। अब दूसरी बात ये है कि इफ चार्ज इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, चलो कंटिन्यूअस का एक मीनिंग ये भी होता है कि दैट इज नॉट मेड अप ऑफ स्मॉल पीसेस, क्योंकि वो कंटिन्यूअस है। वाटर को जैसे बहुत समय तक, जब तक ये पता नहीं चला कि वाटर जो है H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, तो जब तक केमिकली ये डिफाइन नहीं हुआ तब तक यही समझा जाता था कि वाटर कंटिन्यूअस है, बट अब ये पता चल चुका है कि वाटर इज डिसकंटिन्यूअस, H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है H2O जुड़ते जाते हैं। तो जब कोई चीज कंटिन्यूअस नहीं होती तो जाहिर सी बात है उसकी एक स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, जैसे कि ये जीरो एक वैल्यू थी, ये तो नेचुरल वैल्यू नहीं कहलाएगी क्योंकि ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, जब चार्ज होगा ही नहीं नेचर में तो कैसे, ठीक है। इसके बाद जो ये पहली सबसे छोटी वैल्यू है, स्टेप साइज जो है इसका, जो समझ, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको बोलते हैं
तो सबसे छोटी वैल्यू है, इसको बोलते हैं क्वांटम, ठीक है। और जो डायग्राम बनाया उसमें इस क्वांटम को मैं क्या बोलूंगा, स्टेप का साइज, सीढ़ी का साइज, जो सीढ़ी जो आपने चढ़ी, स्टेप साइज। तो फिजिक्स में ये वर्ड यूज होता है बुक्स में, स्टेप साइज भी बोलते हैं। तो क्वांटम ऑफ चार्ज इज देयर, सो बाय क्वांटम आई मीन द स्मॉलेस्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट पार्ट, द स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट। तो जो समेशन क्यू है, जीरो के बाद जो सबसे पहली वैल्यू अटेन करेगा, मैथमेटिकली ये पता करना बहुत मुश्किल है कि जीरो से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है। यू कैन नॉट से जीरो से जस्ट बड़ा नंबर, आप 0.1 बोलते हो, आई विल से 0.01, सो ये बहस चलती रहेगी, लेकिन चार्ज के मामले में ये पॉसिबल है। तो उस क्वांटम को हम ई से दिखाते हैं, एंड दिस ई एक्चुअली डिनोट्स एलिमेंट्री, मीन्स स्टार्टिंग। सो दिस चार्ज इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज। ओके, गॉट माई पॉइंट? और मार्क, यहां तक क्लियर है सबको? लिसन इट केयरफुली अगेन। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल जस्ट स्पीक दैट चार्ज इज नॉट कंटिन्यूअस, दैट इज चार्ज इज डिस्क्रीट, एंड व्हेन इट इज डिस्क्रीट, इट डिस्क्रीट इट हैज अ स्मॉलेस्ट वैल्यू, एंड दैट स्मॉलेस्ट वैल्यू इज नोन एज क्वांटम और स्टेप साइज ऑफ द चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज। फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, दिस इज ऑल्सो अ वर्ड, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट मीन्स विच कैन बी ट्रीटेड एज वन, इससे छोटी वैल्यू पॉसिबल है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। नाउ नेचर की यूनिट है तो इसको नेचुरल यूनिट ऑफ चार्ज बोलते हैं। इतने सारे नाम, ठीक है, बट इनवेरिएबली इट इज अज्यूम्ड टू बी डिनोटेड बाई ई। तो ई से समझ जाना क्वांटम ऑफ चार्ज लिखा है या जो कुछ भी लिखा है, ठीक है। अब किसी भी बॉडी में जो चार्ज है, या तो वो नेट चार्ज जीरो होगा, या तो वो कितना होगा, ई। अगर ई नहीं हुआ तो फिर अगली वैल्यू क्या होगी बताइए? अगर ई से बड़ी वैल्यू है तो कितनी होगी अगली वैल्यू? टू ई, वेरी गुड। देन थ्री, देन फोर ई, ठीक। सो इन जनरल एन ई, दिस इज वॉट इज रिटन इन योर बुक। जो थर्ड पॉइंट है कि क्यू इज इक्वल टू एन ई, बट दिस क्यू मीन्स समेशन क्यू। जहां जहां बुक में आए क्यू, आप नेट चार्ज समझिए। तो नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ ई, एंड दिस ई का जो ये मल्टीपल है एन, ऑब्वियसली बात है नेचुरल नंबर दिख रहा है। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। सो देर कैन बी अ पॉजिटिव चार्ज और अ नेगेटिव चार्ज, विच वी डोंट नो। सो वी आर रिप्लेसिंग द साइंस, algebraic signs are also included here. Now this natural number is no longer a natural number, rather it has become what? ये क्या बन गया है? Natural number नहीं है तो integer. So integral multiple of e. So charge on any body is integral multiple of e. And here is the misconception that starts. मिसकंसेप्ट ये है कि टीचर्स पढ़ाते समय, बुक में भी लिखा हुआ है, टीचर्स पढ़ाते समय इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज ना बोलकर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं, जो कि सही है कि आज की तारीख में ये जो वैल्यू है इसकी आप मेरे से मैथमेटिकल वैल्यू पता करो कि एलिमेंट्री चार्ज कितना है। तो बुक सजेस्ट दिस इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है उसको एलिमेंट्री चार्ज माना गया है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बस ये है कि केवल इलेक्ट्रॉन पर अकेला इतना चार्ज नहीं पाया जाता। देर इज ऑल्सो प्रोटॉन, देर इज ऑल्सो अ टर्म आई हैव डिस्कस्ड विद यू, पॉजिट्रॉन। तो जितनी हमने पिछली क्लास में प्लस ई या माइनस ई वैल्यू बोली, सबके ऊपर फंडामेंटल चार्ज किए। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि रिसेंट डिस्कवरीज ये बताती हैं कि देर आर स्टिल एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच आर स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन्स, साइज वाइज ऑल्सो एंड चार्ज वाइज ऑल्सो। चार्ज की वैल्यू है वो कम हो गई, ठीक है। तो जो देर आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच आर सेम, कि दे आर साइज वाइज ऑल्सो स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज वाइज ऑल्सो दे आर स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस वजह से सबसे ज्यादा अच्छा क्या होगा कि आप फंडामेंटल
चार्ज बोलो कि फंडामेंटल चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल, अब वो जितना भी हो वी डोंट नो। तो इससे क्या है, हमारा ये जो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है वायलेट होने से बच जाएगा और बना रहेगा। ओके, सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस आंसर इन एग्जामिनेशन, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो आई विल से द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, the principle of quantization of charge implies क्या imply करता है, first net charge, अब charge में लिखेंगे अपन ना, net charge on any body is not continuous but discrete, it is found to be an integral multiple of फंडामेंटल चार्ज ई, दैट इज समेशन क्यू इज एन टाइम्स ई इक्वल्स टू एन ई, वेयर एन इज इक्वल्स टू जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सो ऑन। सो दिस इज क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल एंड नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व इट्स न्यूमेरिकल इन द नेक्स्ट क्लास। तो ये प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक, ठीक है? तो इट इज क्वाइट क्लियर एंड क्वाइट ऑब्वियस। अब ध्यान से सुन, दिस प्रिंसिपल हैज बीन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। सो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय हुम, कैन एनीबडी टेल, किसने इस प्रिंसिपल को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया? जोर से एक बार फिर से बोलो, आई वॉज अनेबल टू हियर। चलिए मैं बता देता हूं, आप लोगों ने पढ़ा है इसको 11th क्लास की केमिस्ट्री में, बताओ दो, अब बता दो। सो मिलिकन का एक्सपेरिमेंट का नाम बताओ क्या था? तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के दौरान इस ई की वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया, ठीक है? नॉट दैट एक्यूरेट जितना आज है, ठीक है? तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से एक्चुअली ई की वैल्यू नहीं निकाली थी, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन निकाला गया था और इसी को फंडामेंटल चार्ज माना जाता है, ठीक है? अब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज फंडामेंटल चार्ज, तो उसका आंसर भी मैं आपको अलग से लिखवा देता हूँ। बिल्कुल डिजायर्ड लेवल पर, कुछ बच्चों ने कॉपी के स्क्रीन शॉट्स भेजे हैं मुझे, ठीक है? तो आप लोग भी बिल्कुल कॉपी को बनाते जाइए और You can send me, I can correct that. चलिए, fundamental charge. The smallest possible magnitude of net charge on a body. Is known as first step size of, dusra quantum step size ya quantum of charge, also known as
सारे नाम लिख दीजिएगा आप, फंडामेंटल चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज या फिर नेचुरल यूनिट ऑफ चार्ज, विच एवर यू वांट, ऑल नेम्स आर ट्रू। अब एग्जाम में जो भी आए, ठीक है, दिस मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय, बिकॉज आई एम सेइंग मैग्नीट्यूड तो मैं प्लस माइनस साइन नहीं दूंगा, दिस मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय ई। ठीक है, अभी मैथमेटिकली इसकी वैल्यू चार्ज के बराबर ही ली है, ठीक है ना, तो एट प्रेजेंट ई इज इक्वल्स टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या पॉजिट्रॉन। बाकी दो नाम इसलिए नहीं लेते क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इलेक्ट्रॉन के ऊपर की गई है, तो इलेक्ट्रॉन ही बोला जाता है। ठीक है, एनआईएसटी में आप वैल्यू देख लीजिएगा कि कितनी है, कंप्यूटेशनल वैल्यू 1.602 × 10⁻¹⁹, और जो हमारी एसआई यूनिट है इसमें हम इसको बोलते हैं कूलाम। ऑब्वियस सी बात है ये −20 F कूलाम हो गया, और स्टेट कूलाम में जब लोगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप। ठीक है, तो मैं 1.6 के हिसाब से मल्टीप्लाइड वैल्यू बता रहा हूँ क्योंकि तो वही यूज होगी। ठीक, तो दिस इज 4.8 × 10⁻¹⁰ स्टेट कूलाम। यू कैन राइट हियर EMU आल्सो इंस्टेड ऑफ एपकूला, और यहाँ पर ESU, कुछ टीचर्स EMU ESU ही यूज करते हैं। ठीक है, तो दीज थिंग्स आर क्लियर। नाउ वी आर मूविंग अहेड फॉर अ सिंपल न्यूमेरिकल। दो प्रकार के न्यूमेरिकल हैं, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे लेटर क्लासेस में। मैंने बोला ना, हर एक लेक्चर को हम दो भागों में बांटेंगे, एक बिल्कुल क्वालिटेटिव डिस्कशन रखेंगे, ठीक है, लेकिन उससे पहले आप बेसिक्स सारे समझ लो। तो वहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि जब ई की वैल्यूज इससे छोटी मिल चुकी हैं तो ये वैल्यूज क्यों ले रहे हैं, और छोटी वैल्यूज मिलने की वजह से क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पर क्या कोई प्रभाव आया है, इफ यस देन हाउ, एंड इफ नो देन हाउ इट स्टिल एग्जिस्ट, दोनों चीजों का डिस्कशन। अभी इसकी यूटिलिटी क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, न्यूमेरिकल यूटिलिटी ये कि इस फॉर्मूले को यदि आप ध्यान से देखो, क्यू इक्वल्स टू एन ई, इसमें कितने अननोन्स आपको दिख रहे हैं, देर आर ओनली टू अननोन्स, वन इज मतलब पैरामीटर, एक चार्ज हो गया पैरामीटर और एक पैरामीटर हो गया एन। ठीक है, एन मीन्स ये भी एक पैरामीटर, पैरामीटर मीन्स जो वैल्यूज चेंज होंगी, और ई जो है प्योर कॉन्स्टेंट, तो जनरली ये दो चीजें हैं। तो अगर एन गिवन होगा, एन गिवन है तो आपसे चार्ज पूछेगा, सिंपल क्वेश्चन, तो आप क्यू इक्वल्स टू एन इंटू ई कर दोगे, और अगर क्यू गिवन तो आपसे एन पूछेगा तो आप क्या करोगे, एन इज इक्वल टू क्यू बाय पी कर दोगे। तो इन बोथ केसेस ई इज नेसेसरी, और वो ई की वैल्यू यदि एग्जाम में अदरवाइज कुछ और मेंशनड नहीं है तो हम एसआई यूनिट में ही लेंगे और 1.6 लेंगे। अब इसको ऐसे समझो जैसे कि आपने 10th क्लास में क्वेश्चन किया था कि 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्यू इक्वल्स टू आपको दिया हुआ था 1 कूलाम, एंड यू वेर आस्क्ड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलाम ऑफ चार्ज। ठीक है, सो क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, क्यू की वैल्यू आपने डाली 1 कूलाम, एन मालूम नहीं है, ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, कूलाम एंड कूलाम विल कैंसिल आउट। नाउ एन इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 / 1.6 × 10⁻¹⁹। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस, सो एन इज इक्वल्स टू
अपॉन 1.6 इंटू 10⁻¹⁹, क्योंकि हमने मैथमेटिकली इनवर्स निकाल लिया उसका। अब इस डेसिमल को हटाया हमने, 10⁻¹⁶ किया, एंड नाउ इट इज स्टिल 10⁻¹⁹, दिस इज 5/8। एक जीरो में ले ले रहा हूँ इससे ताकि डिवीजन मेरा आसान हो जाए। तो दिस विल बी नाउ 10⁻¹⁸। नाउ इफ यू कैंसिल इट अगेन इट विल बी 25/4। एंड व्हाट इज 25/4? 25 को दो बार हाफ करो, 25 को हाफ करो 12.5, और 12.5 को फिर हाफ करो तो 6.25 इंटू 10⁻¹⁸ लगता है। तो दिस इज वन यूटिलिटी दैट यू हैव जस्ट सीन। इफ यू नो समथिंग हैज अ नेट नेगेटिव चार्ज, एंड सपोज कर किसी बॉडी पर नेट नेगेटिव चार्ज का हमको समझ में आ गया कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं और प्रोटॉन्स कम हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स कितने ज्यादा हैं, ठीक है, ये नहीं बता रहा कि ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं बता, इट इज नॉट सेइंग कि दिस इतने ही इलेक्ट्रॉन, बस वो ये बता रहा है कि दीज आर द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसकी वजह से निगेटिव चार्ज आ रहा है वो 6.25 इंटू 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, ये कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? ओके, नाउ देयर इज अ सेकंड पार्ट, जिसमें क्या होता है, एक चार्ज की वैल्यू दी रहती है और पूछा जाता है कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, इज अ चार्ज 3.2 इंटू 10⁻¹⁰ पॉसिबल, ये मुझे पता करना है, कूलम पॉसिबल है या नहीं, तो एन से देखूंगा क्योंकि ये चार्ज जो है इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए ई का। तो आई हैव रिटन क्यू इज इक्वल टू एन बी, एंड नाउ आई शैल इवैल्यूएट एन। तो एन इज इक्वल टू क्यू बाई, वैल्यू डाली मैंने 3.2 इंटू 10⁻¹⁰ कूलम, यहाँ पर भी E की वैल्यू डाली 1.6 इंटू 10⁻¹⁹ कूलम, 16 × 32, सो दिस इज 2, −20 +19 कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, सो 2 × 10⁻¹⁰ मीन्स इट इज 2/10, सो दिस n इज कमिंग 2/10 which is equals to 1.5, 1/5, or you can directly write 0.2. So is this an integer? N की value integer है या नहीं? Yes or no? बताएं भाई। So this 0.2 is not an integer because it is a decimal number. बात को समझो। 0.2 क्या है, जो प्रॉब्लम गई हमारी वही है कि 1, 2, 3 ऐसी वैल्यूज हैं, 0 है, ये यहाँ पर आ रहा है बीच में, फ्रैक्शनल पार्ट है 0.2। हाँ, अगर ये सिर्फ 2 आता देन इट वुड हैव बीन पॉसिबल। अब आप बोलोगे सर ये जो वैल्यू आप दे रहे हो ये भी तो डेसिमल वैल्यू, लेकिन आप ध्यान से देखो ये डेसिमल वैल्यू नहीं, ये क्या है 625। भाई देखो इसमें यदि आप इसको अभी 6.25 को 625 अपॉन 100 लिख दो तो ये दो जीरो 10⁻¹⁸ से कैंसिल हो जाएंगे एंड यू स्टिल गेट 625 इनटू 10⁻¹⁶। ये तो इसका साइंटिफिक नोटेशन, अंडरस्टूड? तो ये छोटी छोटी बातें आपको मालूम होनी चाहिए कि कब कौन सा डेसिमल लिखा हुआ है, उसको देखो सॉल्व करके, और साइंटिफिक नोटेशन में है तो आपने तो देखते सर डेसिमल समझ लो और बोल दो कि 6.25 नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ क्लियरली उसको सॉल्व करने के लिए 0.2 आया, आप इसको किसी भी साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो, कुछ भी कर लो, ये डेसिमल ही, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू है इसको देखकर क्या लग रहा है कि इंटीजर, जबकि 10⁻¹⁰ पे हम ध्यान ही दे, और इस वैल्यू को देख के लग रहा है कि ये डेसिमल है जबकि ये डेसिमल नहीं है। तो ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर है ना इस चीज को, नहीं तो ये क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व कर लो और फंस जाओ। कर लोगे भाई? इसमें डाउट है तो अगेन बोल दो, मैं फिर से बता देता हूं। इफ एनीबडी इज हैविंग डाउट प्लीज लेट मी नो। क्लियर है मतलब सबका? ठीक है,
अब आपकी बुक के आज एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 पढ़ लीजिएगा, सॉल्व नहीं कराऊंगा अगली क्लास में। तो ये दो एग्जाम्पल्स आप पढ़ लीजिएगा, इसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, उनके नंबर्स मुझे याद नहीं, तो आप देख लीजिएगा। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पे कुल मिला के 3 से 4 क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में, अगर आप उसको करते हो तो आपका क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाता है। एंड एज फार एज बायो स्टूडेंट्स आर कंसर्न्ड, आई वुड लाइक टू टेल कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आपको नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि उनकी वैल्यूज आप कर करके यूज टू हो जाओ, बाकी बाहर का जो क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से आसान ही आएगा। ठीक है, सो